पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम ने रामबाग और झुंसी स्टेशन पर चल रहे कार्यों को देखा। रामबाग से जंक्शन के बीच 21 से डबल लाइन पर चलेंगी ट्रेनें। महाकुंभ की तैयारी। प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। वाराणसी से प्रयागराज तक रेल लाइन के दोहरीकरण का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। रामबाग स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक का कार्य भी अंतिम चरण में है। 20 अक्टूबर को सीआरएस निरीक्षण के बाद जैसे ही अनुमति मिलेगी, 21 अक्टूबर से इस खंड पर ट्रेनें डबल लाइन पर दौड़ने लगेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 15 दिसंबर तक प्रयागराज जंक्शन से झुंसी रेलवे स्टेशन तक भी डबल लाइन पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर और डीएमआरएम वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को महाकुंभ के लिए प्रयागराज, रामबाग तथा झुंसी रेलवे स्टेशनों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। रामबाग स्टेशन पर जीएम ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर गंदगी और अव्यवस्था देख जीएम नाराज हो गई। कुर्सी मेज पर गंदगी देखकर उन्होंने स्टेशन के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जीएम ने स्टेशन मास्टर एके राय से पूछा कि वह कितने घंटे काम करते हैं और स्टेशन पर कितना समय बिताते हैं। स्टेशन, रामबाग स्टेशन पर बुधवार को निरीक्षण के दौरान अफसरों को फटकारती पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर। सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। रामबाग स्टेशन पर जीएम ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया, जहां उस समय कोई भी सीसीटीवी कैमरा लाइव नहीं चल रहा था। इस पर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए, जिसके बाद कुछ कैमरे चालू हुए लेकिन कुछ समय बाद फिर खराब हो गए। जीएम के जाते ही सभी कैमरे सुचारू रूप से काम करने लगे। मास्टर ने बताया कि वे 10 घंटे काम करते हैं, जिस पर जीएम ने कहा कि यदि आप 10 घंटे काम करते हैं तो उस पूरे समय स्टेशन पर रहकर साफ सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के कार्यों में किसी भी प्रकार पूर्ण विराम। गंगा पुल पर 96% काम पूरा। जीएम ने झूसा दारागंज के मध्य गंगा पर दोहरीकरण के अंतर्गत बन रहे मेजर रेल ब्रिज से 111 पर मोटर ट्रॉली से निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों एवं रेल विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ प्रगति समीक्षा की। इस मेजर ब्रिज का निर्माण कार्य डबल लाइन सबस्ट्रक्चर के साथ साथ सुपरस्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत है। इसमें केवल एक स्पैम निर्माणाधीन है। सभी गर्डर लॉन्च हो चुके हैं। 96% काम पूरा हो चुका है। बनारस से झूसे तक कुल 111.37 किलोमीटर का दोहरीकरण विद्युतीकृत लाइनों के साथ पूरा किया जा चुका है। इस पुल को 15 दिसंबर तक शुरू किया जाना है। कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद वह झुंसी स्टेशन पहुंची, जहां यात्रियों के बैठने और ठहरने की व्यवस्था की भी समीक्षा की। महाप्रबंधक ने बताया कि नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते तक सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के सहयोग से इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की आगामी बैठक के बाद ये तय होगा कि यहां से कितनी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।